सो बट इस आज के वीडियो को देखने के बाद आप बिगिनर नहीं हो। अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेते हो और समझ लेते हो तो आप अपना एक लेवल अप कर लोगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कह लो या फिर स्वर कह लो। मैं थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का रेफरेंस लूँगा, स्वर इक्वल्स टू नोट्स, ठीक है। जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें हम बोलते हैं सुर। आपने सुना होगा जैसे बोलते हैं हम, आपका ये सुर नहीं लग रहा, आपका ये सुर काफ़ी अच्छा लगता है ना, वट एवर जो भी है। तो उसको हम वेस्टर्न लैंग्वेज में बोलते हैं नोट्स, क्योंकि जो गिटार है ये हमारा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है ना। इसकी इन्वेंशन इंडिया में नहीं हुई है, ये वेस्टर्न साज है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं नोट्स, जो वो गोरे यूज़ करते हैं नोट्स, है ना। हम स्वर बोलते हैं, वो नोट्स बोलते हैं। तो मेन अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल स्वर कितने होते हैं, आप कहोगे 7 स्वर। यानी कि जिसको नहीं भी पता उसको इतना पता होता कि 7 स्वर होते हैं, है ना, मतलब कहीं ना कहीं सुना होता है। बट नो, मेन स्वर होते हैं जो, यानी कि जो नोट्स होते हैं वो होते हैं 12। 12 कैसे? जो 7 स्वर होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नोट्स, ठीक है। जो 7 स्वर होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नोट्स। इनके साथ साथ 5 स्वर और भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सीडेंटल नोट्स, ठीक है, एक्सीडेंटल नोट्स। आप मेरी हैंड राइटिंग मत फॉलो कीजिएगा इतनी, हंसिएगा मत प्लीज़ इस पर मत हंसिएगा, बस मेन लॉजिक फॉलो कीजिएगा आप, कि जो, यानी कि जो टोटल नोट्स होते हैं हमारे 12। अब मेन बात जो हमारी आती है, नोट्स कौन कौन से होते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, इसे हम इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं सारे गामा पाधा नी, ठीक है, और इंग्लिश में सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है। अब ये एक्सीडेंटल नोट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसे जानते हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल के आगे से 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया तो आप कॉपी पेन लेके इसे यूज़ कीजिए, लिखिए उसे, ठीक है। एक्सीडेंटल नोट्स के लिए एक्सीडेंटल नोट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज एक होता है शार्प, जिसके लिए ये साइन यूज किया जाता है, एक होता है फ्लैट, एक होता है फ्लैट जिसके लिए ये बी का साइन यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना टोटल नोट्स कितने होते हैं, 12, जिसमें से 7 होते हैं नेचुरल नोट्स, 5 होते हैं एक्सीडेंटल नोट्स। 7 नोट्स हमने लिख दिए और एक्सीडेंटल नोट्स पर हम पहुंचे हैं अभी। एक्सीडेंटल नोट्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है शार्प, एक होता है फ्लैट, है एग्जैक्ट सेम चीज़, बस इनके नाम अलग अलग हैं, कैसे ये हम जानेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे 7 नोट ही होते हैं जिसे हम नेचुरल नोट बोलते हैं, बट इसके बाद भी कुछ नोट्स आते हैं जिसे हम एक्सीडेंटल नोट्स बोलते हैं, और टोटल कुल मिला के हमारे 12 नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल नोट्स हैं, अब इनमें से ही हमारे एक्सीडेंटल नोट्स में निकलेंगे कैसे। तो जो सी होता है और डी होता है, इनके बीच में एक नोट छिपा होता है जिसे हम बोलते हैं सी शार्प, ठीक है। शार्प के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था हैशटैग यूज़ करना है, राइट। बस आप इसे कॉपी पे लिखिए, हम जब इसे प्रैक्टिकली करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी के बाद कौन सा नोट आता है हमारा, सी शार्प, ठीक है। उसके बाद डी है, तो डी के बाद कौन सा आएगा, जी बिल्कुल सही है, डी शार्प, सही बोला आपने, ठीक है। सी सी शार्प, डी डी शार्प, ठीक है। बट जो ई है इसका हमारा कोई शार्प नहीं होता, ठीक है, तो ये रूल यहां फॉलो नहीं होगा, राइट। सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई नो शार्प, यानी कि इसका कोई शार्प नहीं है। उसके बाद एफ है, एफ का शार्प होगा, जी है, जी का भी शार्प होगा, ए है, ए का भी शार्प होगा, बी है, बी का शार्प नहीं होगा, ठीक है। और अगेन सी आ जाता है, तो ये प्रोसेस ऐसे रिपीट चलता रहता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है, ये सी डी ई एफ जी ए बी सी ऐसे चलता रहता है। अब बारी आती है फ्लैट नोट की। शार्प आपको इतना समझ आ गया होगा, आप इसे याद कीजिएगा, ठीक है। सी के बाद क्या आता है, सी शार्प, डी के बाद क्या आता है, डी शार्प, ई के बाद क्या आता है, ई का कोई शार्प नहीं होता, ई के बाद सीधा एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, एफ शार्प, जी के बाद आता है जी शार्प, ए के बाद आता है ए शार्प, बी का कोई फ्लैट नहीं होता या फिर कोई शार्प नहीं होता, उसके बाद
सेम सी स्टार्ट हो जाता है। अब आती है फ्लैट नोट की बारी। अब ये भाई साहब, ये फ्लैट नोट क्या होता है समझिए इसे। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ कि अगर ये बिल्डिंग है कोई, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक लॉजिक है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे एक लॉजिक लगा के। ये बिल्डिंग है, ये इसकी पहली मंजिल है, यानी कि पहला फ्लोर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। सो बस एक लॉजिक समझिए। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि यार मेरा एक काम है, जो आपने जो दूसरी मंजिल है, जो दूसरा फ्लोर है, उससे ऊपर वाली एक मंजिल पे जाके आपने मेरा काम करना है, ठीक है, यानी कि मेरा कोई भी, यानी कुछ भी है, मेरा जो काम है वो मतलब दूसरी से ऊपर वाली मंजिल पे जाके होगा, आपको वो करना है, यानी कि तीसरी मंजिल पर। बट अगर मैं ये भी कहूँ कि यार मेरा काम है जो चौथी से नीची वाली मंजिल पर होगा, तो रहेगी तो वो सेम तीसरी मंजिल ही ना, चाहे मैं उसे दूसरी से ऊपर वाली बोल लूँ या चौथी से नीचे वाली बोल लूँ। तो इसलिए जब हम नीचे से ऊपर, जैसे कि नीचे से आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो शार्प यूज़ करते हैं। बट अगर ये हमारा, समझ लीजिए ये हमारी पहली मंजिल है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पहली मंजिल हुई, ये दूसरी होगी, ठीक है, अब ये तीसरी है। अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि आपको दूसरी मंजिल पर जाना, तो सी शार्प हो गया ये, ठीक है, बस लॉजिक समझिएगा। बट अगर मैं बोलूं कि ये तीसरी से नीचे वाली पे जाना है, तब आप इसे क्या बोलोगे, तब आप इसे बोलोगे फ्लैट। कौन सा फ्लैट? डी फ्लैट। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूं कि जब हमने राइट साइड की तरफ बोलना है तो हम शार्प बोल सकते हैं, ठीक है, बट ये रूल नहीं है, आप इनमें से कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम शार्प ही यूज करते हैं, है ना। तो अगर हमने ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ हमने यूज़ करना है, तो हम डी फ्लैट बोलेंगे उसे। रहेगा ये सी शार्प ही, इसे हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है, यानी कि सी शार्प को हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं और डी फ्लैट को सी शार्प भी बोल सकते हैं, रहेगा वो एक ही नोट, ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब ऐसे ही डी के बाद आता है डी शार्प, बट अब इसे हम और क्या बोल सकते हैं, ये ई के नीचे है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली ई फ्लैट, ठीक है। अब हमारे ई का कोई शार्प नहीं है तो इसको हम छोड़ेंगे। इसके बाद आती है एफ शार्प, सो एफ के बाद आता है एफ शार्प, एफ शार्प के बाद आता है जी, ठीक है। अब एफ शार्प की जगह हम एफ शार्प को क्या बोल सकते हैं, ये किसके नीचे है, मतलब इसके लेफ्ट साइड में, मतलब इसके राइट साइड में जी है, तो इसके लेफ्ट साइड में हम इसे क्या बोल सकते हैं, ओबियसली जी फ्लैट, ओबियसली हम इसे जी फ्लैट बोल सकते हैं, ठीक है, यानी बी का निशान हमने लगाना है, राइट, यानी कि हम यहां से साफ साफ लिखते हैं सी हो गया हमारा, उसके बाद हम लिखते हैं सी शार्प, जिसे हम बोल सकते हैं डी फ्लैट, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डी, यहां से देखिए आप, ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं इसे डी शार्प एज इट इज, इसे हम ई फ्लैट भी बोल सकते हैं, राइट, फिर उसके बाद आती है बारी ई, फिर अगेन एफ, ई क्योंकि ई का कोई शार्प नहीं होता तो फ्लैट भी नहीं होगा, उसके बाद आती है एफ शार्प। अब एफ शार्प को हम क्या बोल सकते हैं, शार्प को हम जी फ्लैट भी बोल सकते हैं, राइट, ऐसे ही हमारी बारी आती है जी शार्प, जैसे कि यहाँ पे हम जी लिख लेते हैं, तो उसके बाद आता है जी शार्प, ठीक है, उसके बाद आता है ए, ठीक है, तो जी शार्प को हम और क्या बोल सकते हैं, ए फ्लैट, राइट, ऐसे ही ए, ए शार्प, सेम, यानी कि ए शार्प को हम बोल सकते हैं बी फ्लैट, फ्लैट के लिए हम छोटा सा बी का यूज़ करते हैं राइट साइड पे, है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी है तो आप फोकस कीजिएगा, बस मैनेज कर लीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा इतना। उसके बाद आता है हमारा बी, तो बी का कोई शार्प नहीं होता, सीधा सी आ जाता है, तो इसलिए बी का कोई शार्प नहीं होगा, है ना, सेम ये ऐसे चलेगा। तो टोटल हमारे जो नोट्स बने वो कितने बने, सो टोटल जो हमारे नोट्स बने वो कितने बने, 12, कैसे, जैसे कि सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ठीक है, ए, ए शार्प,
आपने जब भी शार्प या फिर फ्लैट नोट लिखना है तो या फिर उसे शार्प में लिखिए या फिर फ्लैट में लिखिए, दोनों में से एक ही चीज़ लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी, ठीक है? तो ए के बाद आता है ए शार्प, अगेन बी, बस, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्वर कंप्लीट हुए, ठीक है? सो हमारे टोटल स्वर होते हैं 12। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपनी गिटार की लैंग्वेज में। ये आपके सामने मैंने फ्रेट बोर्ड का डायग्राम ड्रॉ किया है। सो अब हम देखते हैं कि जो ये हमने पीछे शार्प नोट, नेचुरल नोट, जो भी कुछ सीखा है वो इस पे कैसे अप्लाई होगा, है ना? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो अगर आप देखिए कि ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, तो अगर इसे हम फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग प्रेस कर देते हैं और फिर प्लक करते हैं तो वो कौन सा नोट बजेगा, ठीक है? तो पीछे आप देखिए ई के बाद क्या आता है, समझ रहे हो? ई के बाद आता है एफ, यानी कि अगर हम फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो वो एफ साउंड करेगी। ऐसे ही सेकेंड फ्रेट पे अगर हम प्रेस करेंगे तो एफ के बाद क्या आता है, एफ शार्प, ठीक है? उसके बाद जी, अगर हम थर्ड फ्रेट पे जी फर्स्ट स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो वो जी का साउंड करेगी। ऐसे ही जी शार्प, ठीक है? अब सेम एज इट इज ये ऐसे चलता रहेगा जैसे कि मैंने आपको पहले लिखाया। अब यहाँ पर बी है, जो पहली हमारी स्ट्रिंग का नेम है बी है, तो अगर हम उसे फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करें तो वो कौन सा साउंड करेगी, क्योंकि बी का कोई शार्प नहीं होता। बी के बाद क्या आता है, सी, ठीक है? तो यहां पर आ जाएगा सी, यानी कि तो वो साउंड करेगी सी, ठीक है? अगेन सी के बाद क्या आता है, सी शार्प, ठीक है? डी, डी शार्प, यानी कि हम इसमें से कोई भी, ये इतने फ्रेट्स नेम है, ठीक है? ये समझ लीजिए आप फ्रेट्स नेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि सेकंड फ्रेट की बी स्ट्रिंग को आप अगर प्रेस करते हो तो वो सी शार्प का साउंड करेगी, ठीक है? ऐसे ही जी, जी के बाद क्या आता है, जी शार्प। सो ऐसे ही हमारा ये प्रोसेस चल रहा था। ऐसे ही जी के बाद क्या आता है, जी शार्प। अब जी शार्प के बाद क्या आता है, ए, है ना? उसके बाद आता है ए शार्प। तो ये ऐसा साउंड करेगी, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है गाइस? थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए जैसे कि ये हमारी फर्स्ट ई स्ट्रिंग है, ठीक है? अगर हम इसे फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करते हैं और साउंड निकालते हैं यानी प्लक करते हैं तो ये साउंड करेगी एफ का, सेकंड पे करते हैं तो एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प। ये ऐसे ऐसे मतलब जो हमारा रिपीट होता रहेगा सर्कल, जैसे कि आपको मैंने बताया था। बस आपको क्या करना है, वो नोट्स याद करने हैं। ए के बाद क्या आता है, ए शार्प, बी, बी का कोई शार्प नहीं होता, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ठीक है? ऐसे याद करना है आपको। तो ऐसा ही सभी का चलेगा और सेम प्रोसेस कॉर्ड्स में भी रिपीट होगा। अगर हमने ए कॉर्ड लिया है तो ए के बाद क्या आता है, ए शार्प, यानी कि हम इसे एक एक फ्रेट आगे स्लाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बोलिए, ए शार्प। बट एक काम और होगा, यहां पर बार लग जाएगा। बार क्यों लगेगा, हम ए प्ले कर रहे थे तो यहां पर तो ये भी ऐसे ही लगना था, बट यहां पर हमारे बार का काम कर रहा था ये नट, ठीक है? अब हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर ये नट पीछे रह जाता है, इसलिए हमें बार लगाना पड़ा, ए शार्प। अब सेम प्रोसेस चलेगा, बी, ए शार्प के बाद क्या आता है, बी, अगेन सी, फिर सी शार्प, ठीक है? ये बार कॉर्ड्स की बात आती है। अभी आप बिगनर हैं तो बस हल्का फुल्का जान लीजिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो नोट्स बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही अगर हमने लिया ई कॉर्ड, ई को हम एक स्टेप आगे कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ई के बाद क्या आता है, एफ, डेफिनेटली, ठीक है? वो बन जाएगा एफ। बट फिर वही बार की बात आ जाती है कि ये जो नट है ये हमारे बार का ही काम कर रहा है, ठीक है? अगर हम इसे आगे स्लाइड कर देंगे, यहाँ पर हमारा नट लगा हुआ है इसलिए हम बार नहीं लगा रहे हैं, बट आगे स्लाइड करेंगे तो हमें बार लगाना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर साउंड करेगा एफ का, ठीक है? अगेन एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, ऐसे ये चलता रहता है फिर, ठीक है? सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, बाय, गुड बाय।